इस मॉड्यूल में हम एक्टाइसिस के प्रोसेस की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे एक्टाइसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन की मोल्टिंग होती है अब मोल्टिंग जो है ये क्यों ज़रूरी है इसका एनिमल्स का साथ क्या ताल्लुक़ है और इसके क्या फ़ायदे हैं यूजली मोल्टिंग जो है दिस इज़ नेसेसरी फॉर द आर्थरोपोड्स इट इज़ नेसेसरी बिकॉज आर्थरोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है दैट इज इनफ्लैक्सीबल एंड इट विल ग्रो टू लार्जर आर्थरोपोडस मस्ट यूजअली दे हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग इसको इन ब्रीफ मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि जो स्केलेटन है एक्सोस्केलेटन चूँकि वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है और आर्थ्रोपोर्ड्स की बॉडी जो है वो लिविंग स्ट्रक्चर है अब बॉडी ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना है अब बॉडी ने ग्रो करना है तो स्केलेटन जो है उसको फिर शेड ऑफ करना पड़ता है और उसकी जगह जो है फिर नया स्केलेटन आता है यही जो है वो एक्डाइसिस का प्रोसेस है अब मोल्टिंग जो है वो क्रिटिकल प्रोसेस है वलरेबल टाइम के साथ आर्थ्रोपोड्स जो हैं इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर मोल्टिंग के प्रोसेस से गुजरना होता है इनके साइज़ में भी बढ़ना होता है एनिमल्स में भी ग्रोथ का प्रोसेस होना होता है तो जो इनका एग्जिस्टिंग क्यूटिकल है वो वीकन है कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे और ये जो है नॉर्मली दिस टेक्स इन वाटर और एयर द एनिमल और उस दौरान जो है इसका एक्सो स्केलेटन ओल्ड जो है दैट इज़ ब्रोकन एट डिफरेंट पॉइंट्स अब इस दौरान एनिमल्स का जब ओल्ड एक्सोस्केलेटन ब्रेक डाउन हो जाता है डिफरेंट पॉइंट्स पे तो एनिमल्स की एक्सपोजर हो जाती है टू एनवायरमेंट या टू द प्रीडेटर्स अब एनिमल कैन एक्सट्रैक्ट इट्सल्फ फ्रॉम द ओल्ड स्किन एंड इनफ्लेट्स द न्यू स्किन अब ये न्यू एक्सोस्केलेटन जो मोल्टिंग के रिजल्ट में बनेगा अब ओल्ड एक्सोस्केलेटन तो हार्ड था ये न्यू एक्सोस्केलेटन सॉफ्ट होगा इस दौरान आर्थ्रोपोट जो हैं वो मूव भी नहीं कर सकते क्योंकि इनका मस्कुलेचर जो है दैट इज़ अटैच विद द एक्सोस्केलेटन अब एक दफ़ा जब नया एक्सोस्केलेटन बन जाएगा ड्राई हो जाएगा एनिमल्स जो हैं वो हार्ड हो जाएंगे दैन दे विल अगेन स्टार्ट मूविंग तो इसकी एडवांटेज में क्या हुआ एक तो एनिमल्स को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एनिमल्स को ये ग्रोथ में हेल्प करता है और एनिमल्स की ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है एनिमल्स को प्रीडेटर से बचाता है और डिफरेंट किस्म के जो एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स हैं उनसे एनिमल को बचा कर रखता है इस डायग्राम में हम देखें इम्पोर्टेंस क्या है एक डाइसिस की अब ये अंडरलाइं एपिडर्मल लेयर है इस अंडरलाइं एपिडर्मल लेयर से जो लोअर रीजन है ओल्डर क्यूटिकल का दिस इज यूजली डाइजेस्टिड बाय द एंजाइम्स एंड सब्सिक्वेंटली इट इज़ एब्सॉर्व जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके बाद जो है वो मोल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ये ओल्ड क्यूटिकल जो है वो आहस्ता आहस्ता ब्रेक डाउन होती जाएगी और न्यू क्यूटिकल जो है वो यहाँ से एमर्ज होती जाएगी अब ओल्ड क्यूटिकल का ब्रेक डाउन होना और नए क्यूटिकल का बनना एनिमल की ग्रोथ के लिए एक्सोस्केलेटन की डेवलपमेंट के लिए एनिमल की लोकोमोशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो है वो इम्पोर्टेंट हैं आर्थ्रोपोड्स की लाइफ के लिए अब जो इसमें जो इम्पोर्टेंट एंजाइम इन्वॉल्व है या हार्मोन इन्वॉल्व है एक्डाइसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए एनिमल की लाइफ में उस हार्मोन को हम कहते हैं एक्डाइसोम एक्डाइसोन हार्मोन जो है ये ओल्ड एक्डाइसिस uh, के प्रोसेस में हेल्प करता है जब तक यह हारमोन नहीं बनेगा एक्डाइसिस का प्रोसेस भी जारी नहीं रह सकता तो शेडिंग ऑफ न्यू ओल्ड स्केलेटन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्केलेटन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और ये हमें एक्डाइस की इम्पॉर्टेंस जो है आर्थ्रोपोड की लाइफ के लिए मूवमेंट के लिए ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट फिनिना है